नमस्कार दोस्तों, कैफे ओरेंज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंग दाल का सब्जी। बहुत ही टेस्टी सब्जी इसका बनके तैयार होगा और ये हानि भी नहीं करेगा, ये बायकारक है, निरोग है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। इसे हम 4-5 घंटा के लिए भिंगो दिए थे, ये अच्छे से फूल गया है, ये देखिए। अब इसे हम एक मिक्सी का जार लिए हैं, उसमें हम सबको डाल दिए हैं। पानी इसमें बहुत कम डालें, 2-3 चम्मच पानी डालें और इसे अच्छा सा पेस्ट तैयार करें। दो चम्मच अभी हम इसमें पानी डालते हैं, जरूरत पड़ेगा तो हम पानी डालेंगे। तो इसे हम पीस के ले आते हैं। हमने एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लिए हैं, ये देखिए। इसे हम एक बॉल में निकाल लेते हैं। सारा पेस्ट निकाल लिए हैं। अब इसी मिक्सी के जार में हम ये प्याज मसाला तैयार करेंगे। 1 टमाटर, 1 लहसुन अदरक पेस्ट इसी में हम डाल देते हैं, पिसा हुआ है मेरे पास। और सबको हम अच्छे से मसाला तैयार कर लेते हैं। इस बैटर में हम डाल देते हैं, पहले अच्छे से इसको हम फेंट लेते हैं अच्छे तरीके से। अगर बैटर थोड़ा पतला लगे तो इसमें बेसन थोड़ा सा डाल दें। इसमें ये प्याज डाल देते हैं, लहसुन अदरक पेस्ट, नमक, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा इसमें हम और पानी डाल देते हैं। गैस पर हम कढ़ाई रख दिए हैं, इसको अच्छे से फेंट लिए हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगा, ये देखिए। जैसे ही तेल गर्म होगा हम चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा तेल और गर्म होगा, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम पकौड़ा तल लेते हैं। बड़ा छोटा जिस साइज का आप तलें। जितना एक बार में आटे कढ़ाई में उतना आप डाल दीजिए। इसे हम पकने देते हैं, अभी इसको हम नहीं छुएंगे। अब हम सबको पलट देते हैं, ये देखिए सब घसकने लगा।
दोनों तरफ से इसे हम सेक लेते हैं। सेकने के बाद हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हम इस तरीके से सारे पकौड़ी को छान लिए हैं। ये कितना अच्छा पकौड़ी बन के तैयार हुआ है। और कढ़ाई से तेल निकाल लिए हैं, थोड़ा सा तेल छोड़े हैं और इसमें तड़का लगा रहे हैं सौंफ, जीरा, हींग और मेथी का। और ये जो टमाटर, प्याज, लहसुन सब पीस के रखे हैं, अच्छे से चटक गया है जीरा। अब इसमें हम डाल देते हैं। इसमें प्याज है कच्चा, लहसुन है कच्चा, तो इसे हम अच्छे से फ्राई होने देते हैं। टमाटर भी है कच्चा। प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है, देखो साइड से तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम मसाला डाल देते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर। एक चम्मच नमक। इसे अच्छे से फ्राई होने देते हैं, साथ में मसाला भी फ्राई होगा। गैस का फ्लेम कम कर देते हैं और मसाला हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। इसमें हम 2 चम्मच दही डाल देते हैं। गैस का फ्लेम एकदम लो कर दिए हैं। आप दही पसंद करते हैं तो दही डालें, वरना स्किप करें। इसे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। इसे लगातार हम चलाते रहेंगे। दही भी इसमें अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। पानी हम ज़्यादा डाले हैं क्योंकि ये पकौड़ा उसमें फूलेगा तो पानी टान लेगा। ये सारा पानी डाल देते हैं। 2 गिलास पानी था, 2.5 गिलास। इसको हम 1 उबाल आने देते हैं, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। इसमें हम गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं। और इसी में हम सारे ये जो मंगोड़ी तल के रखे हैं इसे भी डाल देते हैं। और इसे हम ढक देते हैं। इसमें हम उबाल आने देते हैं। ये देखो कितना अच्छा बन गया है। अभी जो इसमें आपको ग्रेवी पतला दिख रहा है, ये 10 मिनट के बाद एकदम ठीक हो जाएगा। बड़ा भी देखो कितना अच्छा फूल गया है। चावल में खाइए, रोटी में खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। इसमें हम थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल देते हैं। गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं और इसमें
थोड़ा सा घी डाल देते हैं, घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है। देखिए कितना बड़ा 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 फूल के हो गया है। हम आपको एकदम नजदीक से दिखा रहे हैं। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बना के देखें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मैं अगले व्यंजन के साथ मिलूंगी। धन्यवाद।